हरेक के जीवन में कुछ प्रसंग ऐसे होते हैं, कुछ क्षण ऐसे बीतते हैं कि जिसको वो जीवन भर याद रखता है और कहता है कि मेरे इतिहास में ये प्रसंग भी हुआ था। आज का प्रसंग उनमें से एक है। जैसे नरेंद्र भाई ने कहा, नितिन जी ने कहा कि वे इस कक्ष में पहली बार आए हैं, इस सेंट्रल हॉल में पहली बार प्रवेश कर रहे हैं, तो ये भी उनके जीवन में एक ऐतिहासिक प्रसंग बनेगा कि नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनेंगे और कभी यहां पर आकर के अनेक बार जो उनको संबोधित करने का अवसर मिलेगा बाहर के लोगों को, देश के लोगों को, तो उसमें कह सकते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ही एक प्रकार से इस कक्ष में आया। मैं मानता हूं कि इन दिनों में नरेंद्र भाई के माध्यम से जो अभियान चला है और जिस अभियान के परिणाम अभी दो दिन पहले आए हैं और जिन परिणामों के फलस्वरूप ही हम आज का ये कार्यक्रम करके और उनको एक महत्वपूर्ण जवाबदारी सौंप रहे हैं, ये सारे के सारे ऐतिहासिक प्रसंग बन रहे हैं, सारे के सारे। अब मैं पीछे देख करके जब देख रहा था ना कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब से लेकर के कब तक यहां बैठी, कॉन्स्टिट्यूशन कब तैयार किया और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जनवरी 1950 में, 46 में तो शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेकिन मैं इस बात को कभी भूल नहीं पाता हूं कि ये जो संसद भवन है वो संसद भवन बना था, बन करके तैयार हुआ था 1927 में और 1927 में मेरा अपना जन्म हुआ और 20 साल तक मैं अंग्रेज के शासन में रहा। 47 में आजादी मिली और वो पूरे 20 साल मन में एक ही तमन्ना होती थी, स्कूल में था या कॉलेज में था, कि भारत स्वतंत्र कब होगा। और 47 में भारत स्वतंत्र हुआ तो 47 में एक ऐतिहासिक क्षण आया। मैं कराची में था उस समय और बचपन से लेकर के एक कमजोरी मेरे स्वभाव में रही है जिसका मैं कोई उत्तर नहीं ढूंढ पाया हूं। एक बार रीडर्स डाइजेस्ट में जरूर एक आर्टिकल पढ़ा था कि बहुत भावनात्मक लोग होते हैं तो उनके लिए कोई उनकी आलोचना करे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कोई उनकी प्रशंसा करे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं सोचने लगा कि ये क्यों होता है। तब रीडर्स डाइजेस्ट में एक आर्टिकल पढ़ा था कि ये एक इमोशनल कमजोरी है, लेकिन है। मैं सोचता हूं आज 47 से लेकर के आज तक के प्रसंग तो उनमें एक 47 जब आजादी मिली बहुत खुशी हुई थी, आंखों में आंसू आए थे। उसके बाद एक बार जब इमरजेंसी लगी थी हम लोग जेल में चले गए थे तो हमने कहा ये क्या हुआ। वाजपेयी जी मैं एक पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग के लिए बेंगलोर गए थे और वहां पर ले गए हमको कारावास में, क्या हुआ। फिर वो इमरजेंसी समाप्त हुई जिस प्रकार से आंखों में फिर से आंसू आए। आज भी वैसे जब मैं यहां आया, नरेंद्र भाई मिले और नरेंद्र भाई का अभिनंदन मैंने किया तो आंखों में आंसू आ गए। और ये सारे के सारे प्रसंग ऐसे हैं कि जो मुझे याद दिलाते हैं कि ये मेरे लिए जिस पार्टी के माध्यम से जीवन भर देश की सेवा करने की, राजनीति को परिष्कृत और पवित्र और शुद्ध बनाने की कोशिश की है, उसके जीवन में भी ये ऐतिहासिक प्रसंग है। और मैंने कहा ना कि इसको कोई, मुझे कल भी किसी ने पूछा आंखों में आंसू देख करके, एक पत्रकार ने पूछा कि आंखों में आंसू क्यों है। मैं जब जा रहा था पार्टी ऑफिस में इसी प्रसंग में
तो मैंने उनको कहा कि अवसर आएगा तो मैं कभी कह दूंगा इसके बारे में, लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे ऐतिहासिक प्रसंगों के द्वारा गुजरना ये भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी की कृपा है कि उन्होंने हमको इसके द्वारा गुजरने का ये अवसर दिया है। मैं उनको एक बार फिर से अपनी ओर से, संसदीय दल की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये बल देता हूं इस बात पर कि जिस प्रकार का समर्थन इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता नरेंद्र भाई मोदी को मिला है, ऐसा कभी किसी को पहले नहीं मिला है। इसके कारण भी हमारे ऊपर, केवल उनके ऊपर नहीं लेकिन उनके साथ साथ हम सबके ऊपर, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के ऊपर बहुत बड़ी जवाबदारी आई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि उस जवाबदारी को जनता की अपेक्षा के अनुसार ही हम अवश्य पूरा करेंगे। मेरा एक बार फिर से अभिनंदन और प्रणाम स्वीकार करें।